था, अब नए फोन में पासवर्ड लग गया। दीदी मुझे डर लगता है मौत लोगा। बाकी हमने भी मेहंदी लगा ली, ये देखो जाओ। मैं नए फोन में पासवर्ड लग गया, इतना पैसा नहीं है भाई मेरे पास। आपका हंसी आ रही है। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. तो सीता रानी से मिल लो, आज सीता रानी सुबह सुबह मिल रही है, सुबह के बज रहे हैं, इधर से चलेंगे हम। कितना बज रहा है? 11 बज रहा है और सुबह सुबह लग गया था मेरे फ़ोन में पासवर्ड। पासवर्ड मतलब मैं जो डाल रही थी ना वो मैं भूल गई थी, पता नहीं क्या था, मैं सेम पासवर्ड डाल रही थी पर वो डल ही नहीं रहा था। फिर पता नहीं कितनी 50,000 तो मैंने वीडियो देख दूंगी कैसे पासवर्ड खोलना, क्योंकि पीछे वाला पिछला फ़ोन था उस पर भी पासवर्ड लग गया था, तो उसमें पासवर्ड खोलने के चक्कर में ये नया फ़ोन लिया था, अब नए फ़ोन में पासवर्ड लग गया। ठीक है, सुबह से सीता रानी आके बैठती थी 10:30 बजे तक, कहती दीदी चलो और मजा आ ले मैं हिल जाऊँ। मैं नए फ़ोन में पासवर्ड लग गया, इतना पैसा नहीं है भाई मेरे पास, पीछे वाला फ़ोन ठीक कराया उसमें इतना सारा पैसा लगाया मैंने, अब वो चलता नहीं, वो बहुत स्लो चल रहा है वो। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सीता रानी सुबह सुबह क्यों आई है। सीता रानी को जा रहे हैं हम दवाई दिलाने, इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो इनके लिए हम दवाई लेने जा रहे हैं। और हमारे दोस्त आ चुके हैं आगे से, ये देखिए दोस्त जी आ चुके हैं, देखो दोस्त देख रहे हो, दोस्त से फैन फॉलोइंग तो देख रहे हो, इतनी ज़्यादा ना फैन फॉलोइंग मेरी कुत्तों के बीच में, क्योंकि आप लोग मुझे तो देखना नहीं है, इन्हीं से कुत्तों से दोस्ती करनी पड़ रही है, और तो कोई दोस्त बनता नहीं। देखो दिख रहा, ये जो आप कपड़े गंदे कर रही हो, ये जो आपने कपड़े गंदे करे हैं ये मेरे ऊपर चढ़ के, आपकी मम्मी साफ करेगी आगे हैं, बतरी चल दी चीज दिलाऊंगी। अगर मैं दिन में 50 बार घर से बाहर निकलूं और 50 बार मैं इस वाली गली से उस वाली गली से जाऊं, तो इस गली के कुत्ते ना 50 बार इतनी ताकत रखते हैं मेरे से बिस्किट ले सकते हैं, इतनी पावर है इनके अंदर। तो इसी पावर के साथ में हम जा रहे हैं अभी स्कूटी पे, स्कूटी लेके जाएंगे हम दोनों, क्या करने, दवाई लेने। लो सीता रानी आई हो तो बालों बोलो, अपन बात करेगा। तो क्या कहते हैं, इसको दवाई दिलाएंगी। और आज फिर से मेरे ऐसे दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने ATM का पासवर्ड चेंज करूँगी, जो कि मैं बहुत टाइम से नहीं कर पा रही, आपको हर व्लॉग में बोलती करूँगी बट नहीं कर पा रही। सीधा अंदर की तरफ खुलेगा बेटा, अंदर की तरफ खुलेगा गेट। तो आज मैं सोच के जा रही हूँ, पक्का करके आऊँगी। और आज है करवा चौथ, तो सभी प्यारी प्यारी सी लेडीज़ लोगों को और मेंस लोगों को, जो कपल लोग हैं उन सभी प्यारे प्यारे से लोग। तो जी आज सुविधा के लिए खेद है, हमारी फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई थी, स्टोरेज नहीं था हमारे फ़ोन में। तो आज सुविधा के लिए बहुत बड़ा खेद है। तो मैं आपको ये बोल रही थी कि पता नहीं क्या बोल रही थी, मैं भूल जाती हूँ, मैं डिलीट करना चाहती हूँ चीज़ें से, मैं भूल जाती हूँ। मैं सिर्फ एक ब्लॉग बनाती हूँ, एक ब्लॉग पर शॉर्ट वीडियो भी नहीं बना पाती, मेरा स्टोरेज फुल हो जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको आज इस वाले ब्लॉग में मैं इस बारे में बात करूँगी कि ये वाले फ़ोन का रिव्यू दूँगी आपको कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी मैं ये बोल रही थी आज करवा चौथ, तो सभी कपल्स को, सारी लेडीज़ को, सारे मेंस को जो एक दूसरे से प्यार करते हैं उन सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुश रहे, लंबी आयु रहे और साथ साथ में रहे सारे लोग, ऐसा हमारी कामना है आप लोगों के लिए जो प्यारे प्यारे से लोग देख रहे हैं। बाकी हमने भी मेहंदी लगा ली, ये देखो थंबनेल ले लेते हैं हम, इसमें मैंने अपना नाम लिखा है PK, क्योंकि ना यहाँ पे मेहंदी लगाते ना सबको तो वो आ जाते हैं, अजीब सा हो गया था वो, जो मेहंदी लगाते हैं उनको पता होगा। ये देखो यहाँ पे ना जैसे ये हो गया ना ऐसे यहाँ पे भी हो गया था, तो फिर मैंने मम्मी ने बोला लगा ले कोई बात नहीं मेहंदी, तो फिर हमने लगा ली। ऑल दो मेरा फास्ट नहीं है, ठीक है, उसके अंदर मैंने अपना नाम लिखा PK। तो देखते हैं किस किस को मेरा फुल नेम पता है, आप कमेंट करके बताना, आप मैं देखूँगी किस किस को मेरा पूरा नाम पता है, ठीक है। पूरा नाम जिनको पता है मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर ना जल्दी से लिख के आओ, जाओ। और बाकी अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, हॉस्पिटल सीता रानी को दवाई दिलाने के लिए। तो जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं, आने के बाद जो जो चीज़ें करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और बस क्योंकि इंट्रो बहुत बड़ा हो जाता है, दीदी बहुत गुस्सा करती है, इतना बड़ा इंट्रो दे देती है तू कि सारी पूरा 3 घंटे का व्लॉग बना देती है। तो अब हम छोटा छोटा इंट्रो देने का कोशिश कर रहे हैं, तो चलो बाय, मिलते हैं आपको हॉस्पिटल जाके। ताकि आज की नहीं खत्म हो रही है, देखो जरा यह मैंने लिखा है दीदी का नाम और मेरा नाम है। तो जी हम पहुंच गए हैं, अभी ये रहा हॉस्पिटल और हम जा रहे हैं अंदर। अंदर जाके मैंने बनवानी है इसकी स्लिप, जो मेरे आधार कार्ड पे बनेगी, क्योंकि इसका आधार कार्ड है नहीं, इसलिए अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके स्लिप बनवाते हैं, फिर इसको मेडिसिन दिलवाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट मिलेंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी है ही नहीं, स्टोरेज है ही नहीं, तो हम ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर सकते हैं। घर जाकर डिलीट करूँगी चीज़ें देख दाख के, उसके बाद फिर प्रॉपर ब्लॉग शूट करूँगी आज वाला, ठीक है। तो हम पहुँच गए अंदर और जब निकलेंगे तब मिलेंगे।
देख लेती हूँ। कितना दर्द हो रहा है आपको? हंसी आ रही है। इसको ना टीटी का एक इंजेक्शन लगाओ, ऐसे ड्रामे कर रही है ना। मैंने कहा जब तू इतना बड़ा बड़ा मुर्गा काट के खा जाती है तो दर्द को दर्द नहीं होता? मतलब इंसानों का अलग ही ड्रामे है। इतना बड़ा बड़ा मुर्गा मछली बकरा तुम काट काट के काट काट के खाती है, तुमको दर्द नहीं होता? जरा सा चीटी जैसे तुमको इंजेक्शन लगा रहा तो उससे डर लग रही है। लेकिन हाथ पकड़ रखे जैसे इसका हाथ टूट गया हो। खून भी आ गया, देख लो। चल ना वहाँ रुई लगवाएंगे और कॉटन एक और लगेगा। दीदी मुझे डर लगता है, मत लगाओ। फिर तूने बोला लगाना करके? डर लगता है तो मैं क्या करूँ? डर लगता है तो डर निकालेंगे तेरे। चल दो तीन लगवा रहे हैं, डर निकल जाएगा। नहीं 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 दीदी, नहीं नहीं। अभी एक इंजेक्शन लग गया है, इसको एक और लगना है तो वो दूसरी साइड से लगना है। क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक चीज़ एक साइड होगी, एक चीज़ दूसरी साइड होगी। जो पेशेंट है वो चाहे चल चल के मर जाए। तो अभी हम जा रहे हैं सेकंड साइड। और मेरे बालों ने अपने औकात दिखा रहे हैं, बाल मेरे इतना परेशान कर रहे ना मेरे को। चलो अब जाते हैं दूसरी साइड लगवाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। क्योंकि यहाँ बज रहा है म्यूज़िक। हॉस्पिटल में म्यूज़िक का क्या मतलब है? आ जल्दी आ, चलो मैं इसको समझा के भी मिलती हूँ। अभी लगेगा थोड़े दिन बाद। तुम तो मेरे को मारोगे। तो फाइनली इसको इंजेक्शन लग गया। अभी हम जा रहे हैं घर, मतलब मेडिसिन ले लिया, इसकी इंजेक्शन भी लगवा दिया है। तो अब हम जा रहे हैं घर और सीधा मिलेंगे आपको घर जाकर। आज सुविधा के लिए कह रहे अंकल पीछे से गाड़क भी लेते बेटा। मतलब वीडियो नहीं बनाना है, मेरे को समझ जाता है। वीडियो बनाने में दिक्कत क्या है? हम किसी का कुछ ले तो नहीं रहे, और आप अगर गलत नहीं करो तो आपको किस चीज़ का डर है? क्यों वीडियो नहीं बनाने देंगे? अगर आप सही हो अपनी जगह तो आपको डर नहीं होना चाहिए। या तो आप कुछ गलत काम कर रहे हो इसलिए आप हमको हॉस्पिटल के अंदर वीडियो नहीं बनाने दे रहे हो। मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि प्रॉब्लम क्या है। जहाँ चले जाओ वहाँ वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी, वीडियो नहीं बनानी। आप क्या तस्करी कर रहे हो क्या उसकी? ड्रग्स की? ड्रग्स होता है, ड्रग्स की हंसती हो गई यार अंदर। मैंने जरा सा ऐसे उठाया और एक लाइन भी नहीं बोला, कहते नहीं 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 वीडियो नहीं बनाना। जबकि मैंने अंदर का कुछ भी कैप्चर नहीं किया था, मैं बाहर आ रही थी तब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। फिर मेरा आर्ग्यूमेंट करने का मन नहीं था क्योंकि बस मैं नहीं करती, मुझे समझ नहीं आता कि क्या ही प्रॉब्लम है। वीडियो क्यों ही नहीं बनाने देते? जो ब्लॉग बना रहे हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनका तो वो काम है, वो तो बनाएंगे, वो तो दिखाएंगे क्यों क्या कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। इन लोगों को पता नहीं कौन सी चुल्लो जाती है। आ तो जल्दी ये देखो चढ़ाई। दिन के आई गेस 2 या 3 बज रहे थे और मैंने मम्मी का हेयर स्टाइल करना और रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मिलती हूँ। तो अभी मम्मी को ऑलमोस्ट मैंने रेडी कर दिया है। मम्मी गए हैं क्या करने? मम्मी गए सिंदूर लगाने क्योंकि वो मैं नहीं लगा सकती थी, और लिपस्टिक लगाने क्योंकि मम्मा बोलते हैं लिपस्टिक वो अपने आप अच्छी लगाते हैं। इसलिए बाकी मैंने रेडी वेडी कर दिया और लेट हो चुके हैं, टाइम हो चुका। देखो ये दिखने का इतना, और मम्मी बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि मैंने मम्मी को बोला था मम्मी तैयार हो जाओ, मम्मी तैयार हो जाओ, मम्मी तैयार हो जाओ, लेकिन मम्मी को देखनी थी रील्स। मम्मी 3 बजे तक बैठ गए रील्स देख रहे थे, 3 बजे उठी और उठने के बाद 1 घंटा लगाया सामान निकालने में, जो सामान उनको वेयर करना था। क्योंकि आज के दिन में जो गोल्ड वाला सामान होता है, जो भी होता है लेडीज़ के पास हमारे वहाँ पे, वो पहनते हैं चांदी और गोल्ड का सामान, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं पहनते होते हैं, और कांच की चूड़ियाँ पहनते होते हैं। तो वो चीज़ें निकालने में मेरी मम्मा को लग गया टाइम, क्योंकि मेरी मम्मी का एक पर्स और एक मम्मी की अलमारी की जो कीज़ होती है चाबियाँ, वो मेरी मम्मी को कभी नहीं मिलती टाइम पे। एक मम्मी का चश्मा, ये 3 चीज़ें मम्मी को आज तक कभी टाइम पे नहीं मिली है। तो अब मेरी मम्मी हबड़ दबड़ कर रही है कि मेरे को लेट हो गया। ये रही मेरी मम्मी। अब मेरी मम्मी लगी है हबड़ दबड़ करने के लिए, सिंदूर भर दिया है 1 किलो मांग में, जैसे सारा सिंदूर हनुमान बन रही है मेरी मम्मी। सिंदूर मैंने सूखा बोला था भरने के लिए, तो तुम उल्टा क्यों बोल रही हो? वैसे इनको 16 सिंगान भरना है, वैसे इनको पानी वाला सिंदूर भरना है। हमको बोलते हैं तुम्हारी शादी जाएगी ना, फिर तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने ऐसा करना है, अपनी शादी होगी अपना नहीं कुछ करना है, हमको बस ज्ञान देना है ये करना है वो करना है। तो बस अभी सीता रानी आ गई है। सीता रानी क्या कर रही है? सीता रानी लगा रही है आटा। सीता रानी अम्मी मम्मी को हार अभी याद आ रहा है, देख लो 4:45 हो चुके हैं, 4:45 नहीं मम्मी 5:15 हो चुके हैं। हाँ, जो दो कटोरे डाल दे
सबको दीदी चाहिए, मतलब हल्दी है सीता भी दीदी, मम्मी पायल सब बोले जा रहे हैं। अभी मम्मी को सवा पायल चाहिए, हाथ निकालना जो पता नहीं है कहाँ रखा है। चलो मैं ढूंढ लेती हूँ, मम्मी को रेडी कर देती हूँ, इनको भेज देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। ये रही मेरी मम्मी, ये रहे पापा, रोमांटिक राइड पे जा रहे हैं पूजा करने। आंटी के घर जा रहे हैं, मम्मी अपनी फ्रेंड के घर जा रही है। चुन्नी ले ली हाँ, मेरी मम्मी का लुक हम बाद में दिखाएंगे क्योंकि मम्मी हो चुकी है लेट, घनिश लेट हो चुकी, कहीं भी आपको सूरज सूरज चाचा जी नहीं दिखेंगे। आई मेरी मम्मी और पापा जा रहे हैं, देख देख मेरे मेरे टोट बैग से मम्मी ने साफ कर दिया, मैंने आज ही इनको बैग दिया निकाल के नया। ये भाई चल दिए, तो मम्मी चली गई है पूजा करने के लिए और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद से मैंने अपना फेस ही नहीं देखा है, पता नहीं कैसे हालत हो गई। अभी मैंने बाल खोल लिए सर क्योंकि मुझे अभी याद आया कि मैंने क्लेचर लगाया हुआ है और मैं ऐसे ही ब्लॉग शूट कर रही थी। थोड़ा सा अच्छा बनना पड़ता है ब्लॉग में क्योंकि ना जैसे हम सामने से दिख रहे होते हैं फोन में ना, हम और ज़्यादा गंदे दिख रहे होते हैं, सुंदर नहीं दिखते हम ब्लॉग के फ़ोन के अंदर जब हम कैप्चर करते हैं। तो अभी मम्मी चली गई और सीता रानी कर रही है यहाँ पे खाना पीना, मतलब बच्चों का खाना बना रही है। अब मैं जाके खाना बनवाऊँ की हेल्प करूँगी अभी, और आज तो हमें अपना खाना भी अपने आप बनाना है क्योंकि मम्मी को पास से मम्मी नहीं बनाएगी कुछ भी, तो दीदी आएगी 7 बजे तक और 7 बजे तक मेरी ड्यूटी है, मैं खाना बनाऊँगी, उसके बाद दीदी आके जो बात का काम होगा वो दीदी करेगी क्योंकि उसके बाद मेरी हालत नहीं है। क्योंकि जब मैं वहाँ से आई ना, क्या कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, जब मैं आई वहाँ से हॉस्पिटल से, तो आने के बाद इतनी ज़्यादा हालत खराब हो गई, जैसे वीकनेस सा फील हो रहा था। हॉस्पिटल से भी मैं बाज़ार चली गई तो पानी भी नहीं था मेरे पास, तो इतना ज़्यादा वीकनेस सा फील हो रहा था ना, मेरे को हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने इतनी सारी चॉकलेट खाई, मैं आपको दिखाती हूँ, ये आधे से ज़्यादा पैकेट था, मैंने पूरा ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा था मेरा बीपी लो रहा है, देखो मेरे घर में चॉकलेट ही चॉकलेट रखी हुई है, उसी का पैकेट रखा हुआ है। मेरे घर में इतनी सारी चॉकलेट लाई जाती है मेले क्योंकि मेरा बीपी आजकल पता नहीं क्यों अचानक से डाउन चला जाता है, और मेरे को लग रहा है ऐसा कि ना मैंने वो ज़्यादा खा ली, चॉकलेट ज़्यादा खा ली, जिसकी वजह से ना मेरे हेडेक यहाँ पे, और ऐसा ना ऐसा लग रहा है कोई यहाँ से भाग के इधर जा रहा है, फिर भाग के इधर जा रहा है, तो जब भाग रहा है ना तब मेरे यहाँ पे और इधर दर्द हो रही है, ऐसा लग रहा है वो मार के आ रहा है, इधर से भाग के जा रहा है टक मार रहा है, इधर भाग के जा रहा है टक मार रहा है, तो फिर ना अजीब सा बीच बीच में ऐसे 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 कुछ हो रहा है, गुन 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 टाइप का। तो हाँ मैं सोच रही हूँ चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स करूँ, लेकिन मम्मी कह रही है चाय पिएगी तो और ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि चाय भी गर्म होती है, तो ज़्यादा गर्मी हो गई मेरे अंदर। मैं तो कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, मम्मी कहते कोल्ड हो जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगी तो एक तो मम्मी लोगों से ना कोई चीज़ पूछनी नहीं चाहिए, मम्मी लोग ना हर चीज़ का मम्मी के पास आंसर होता है कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे वैसा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, और अभी आज खाना भी बनाना, मम्मी को रेडी और चाय पीने के बाद में हम लग गए थे खाना बनाने में। तो आज हमारे घर बनती कढ़ी चावल, उड़द दाल वाले दही भल्ले और कुछ कुछ पकौड़ी पूड़ी वगैरह बनते हैं, और एक स्पेशल तरीके की रोटी भी बनती है, बट वो क्लिप मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई वो आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी। तो ये था आज का मेन्यू, जो यूपी वाले लोग होंगे ना उनको पता होगा कि उनके हमारे ना यूपी साइड में यही सारी चीज़ें बनती हैं करवा चौथ वाले दिन। That's it for this video. I hope ये वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। इसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें की थी, पूजा वगैरह जो टेरिस पे जाके करते हैं, हमने अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग जो यूपी में रिचुअल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग किया था, वो सारी चीज़ें मैंने ना 3-4 मिनट का एक पूरा वीडियो था, वो मैं कुछ और डिलीट कर रही थी बट वो डिलीट हो गया बाई मिस्टेक, तो अभी वो क्लिप तो है नहीं मेरे पास। आप लोगों को पता है मुझे स्टोरेज का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है इस फ़ोन के साथ में। मैं एक ब्लॉग बनाती हूँ और उसके बाद में दूसरा कुछ भी शूट नहीं कर सकते हैं, मतलब अगर आप 30 सेकंड का भी कोई वीडियो मुझे शूट करना है तो मुझे कुछ प्रीवियस वीडियोस जो होती है वो डिलीट करनी पड़ती, फिर ये वाला फिर वो शूट करना पड़ता है, तो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी कि डिलीट करो फिर वो शूट करो, तो उसके चक्कर में ना मेरी ना काम वाली जो वीडियोज़ होती है ना वो डिलीट हो जाती है, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है, वो कल वाले व्लॉग में भी आपको बस देखने के लिए मिलेगा आज जो मैंने व्लॉग में है। बाकी यही था व्लॉग में, और जितना मैं बीच में शूट कर पाई मैंने वो शूट किया है, और आई नो आप बहुत अच्छे लोग हो, बहुत बहुत प्यारे प्यारे लोग हो जो लोग मेरी वीडियोज देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो आप लोग मैनेज कर लेते हो हर चीज़ का, आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ मुझे एडवाइस करो कि मैं किस तरीके के ब्लॉग एंड वीडियोस आप लोगों के साथ लेकर आऊँ, क्योंकि ना डेली ब्लॉग में ना जो मैं सारी चीज़ें दिखाती हूँ वो रिपीटेशन में होता है, फिर मुझे देखने में मज़ा नहीं आता, फिर मुझे लगता है कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए आ रहे हो और आप लोगों को कुछ ऐसा अच्छा सा देखने के लिए ना मिले नॉलेज वाला,
मोटिवेशन वाला तो फिर क्या ही फ़ायदा है वीडियो बनाने का, तो आई फील दैट। तो आप प्लीज़ मुझे बताना है कि किस तरीके का वीडियो या ब्लॉग देखना चाहते हैं, यही वाले जो आप डेली बच्चों की एक्टिविटी और बच्चों का फीडिंग वगैरह सब कुछ यही देखना चाहते हो, मतलब आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो बेसिकली मैं वो पूछ रही हूँ। तो बस यही था इस वीडियो ब्लॉग में, आई होप अच्छा लगा हो, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आपको मिलती मैं कल एक नई ब्लॉग नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के स्ट्रीट जो जानवर होते हैं एनिमल्स होते हैं उनका ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, प्यार करिए और प्यार बांटते रहिए, और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।